हाय, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मेरा फाइनेंशियल कैलकुलेटर आपको यहाँ दिख रहा होगा, और ये हमारा जो प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट बी, उसके कैश फ्लोज यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो हम इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे, एनपीवी और आईआरआर इस प्रोजेक्ट के लिए। तो आप देखिए कि सबसे पहले हम इसको ऑन कर देते हैं, फिर जो भी पुरानी वैल्यू है उसको क्लियर करने के लिए हम सेकेंड करके क्लियर वर्क दबा देते हैं, तो हमारा सारे जो वैल्यूज़ है वो क्लियर हो जाती है। अब हम कैश फ्लो में जाएंगे, सेकंड क्लियर, यह देखिए तो कैश फ्लो सारे क्लियर हो गए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कैश फ्लोज जो यहाँ पे लिखे हैं उनको डालेंगे। तो जैसे CF0, पहले CF0 पे कितना है, 2000 आउटफ्लो, तो हम यहाँ 2000 डाल के इसको एंटर दबा देंगे, ये इक्वल आ गया। अब हम जाएंगे, देखिए पीछे जाके फिर देख रहा हो तो ये वैल्यू आ गई। अब कैश फ्लो वन देखेंगे, यहाँ 200 एंटर, आप यहाँ देखेंगे 2000 नेगेटिव में क्योंकि आउटफ्लोस था, ये पॉजिटिव में ही हम नंबर रखेंगे। अगर हमारे दो 200 के तीन चार कैश फ्लो होते तो हमें बार बार 200 डालने की ज़रूरत नहीं होती, हम यहाँ पे वो मल्टीपल लगा देते क्योंकि यहाँ पर एक ही है तो हम एक ही लगा रहे हैं। फिर आता है सेकंड कैश फ्लो जो कि है, मैंने गलत नंबर डाल दिया तो मैं यहाँ से क्लियर कर सकता हूँ, ये 600, फिर एंटर दबा दिया। अगला है कैश फ्लो थर्ड, 800 एंटर। फोर्थ और लास्ट कैश फ्लो है 1200 एंटर। अब देखिए मुझे एनपीवी निकालना है तो मैं एनपीवी का बटन दबाऊंगा, यहाँ मुझसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछ रहा है, इंटरेस्ट रेट वो है हमारा 10%। मैंने दबाया एंटर किया, आपने आंसर वो आपको अगर याद हो, आप यहाँ पे हम कंप्यूट दबाएंगे, ये आ रहा है देखिए 98.35। आपको याद होगा कि हमारा जो आंसर था वो भी 98.35 ही था जो हमने सॉल्व किया था। अब देखिए मैं इसमें 10.79 हमारा वो था, 11.79 हमारा IRR था, तो अब IRR कैसे कैलकुलेट करते हैं, IRR का बटन दबाया, कंप्यूट कर दिया, ये देखिए 11.79। तो इस तरह हम फाइनेंशियल कैलकुलेटर की हेल्प से NPV और IRR निकालते किसी भी प्रोजेक्ट का, सिर्फ हमें कैश फ्लो इंप्रूव करना है। तो आगे बात करते हैं पे बैक पीरियड्स और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड के बारे में।